फिर हाजिर हुए हम हिंदी का सलूशन लेके, जवाहर नवोदय विद्यालय देने वाले बच्चे जो कि आज 20 जनवरी को पेपर था 2024 के बच्चे तैयार हो जाए हिंदी सेक्शन का आंसर जानने के लिए। हिंदी सेक्शन का आंसर जानने के लिए दोस्तों तैयार हो जाइए। अभी मैंने रीजनिंग की वीडियो अपलोड कर दी है, आपने मिलाया होगा, कमेंट करके हमें बताइए और आइए हिंदी सेक्शन का हम देखते हैं आंसर, फटाफट जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक पैसेज दिया है, हम पैसेज पढ़ के आपको बताते नहीं है, ऑलरेडी हमने पैसेज को पढ़ लिया था। रीजनिंग और मैथ का तो मैंने फटाफट क्वेश्चन तुरंत दे दिया, लेकिन इसको थोड़ा सा पढ़ के मैंने सोचा आपको पढ़ के अगर बताऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैंने पहले इसको पढ़ लिया है, इसलिए मैं फटाफट आंसर बताता हूं। पहला जो पैसेज है इसमें आपके 61 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारा या हमारी प्रभावित नहीं होती है, जीव ऊंचाई प्रभावित नहीं होगी, बाकी चीजें प्रभावित हो सकती हैं। आइए आगे क्वेश्चन है, आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं, मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध खाली स्थान से संबंधित समस्याओं से है, मनोवैज्ञानिक जो है मानस का मतलब मन से मिलता जुलता। आगे आते हैं टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि वे टीवी को बहुत निकट से देखते हैं जी। विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा प्यारे, विकल्प नंबर सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, ढीली का समानार्थी का मतलब होता है उसी के जैसा अर्थ देने वाला, ढीली का मतलब होता है धीमा, ढीली का मतलब क्या होता है धीमा होता है। आगे है 65 अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम क्या होगा, 65 क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे, हानिकारक शब्द का विलोम पूछा है प्यारे। हानिकारक मतलब आप समझ रहे होंगे कि नुकसानदेह है, तो उसका विलोम क्या होगा, उपयोगी का मतलब विकल्प नंबर सी आपका यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए इस पैसेज के हमने 5 क्वेश्चन देख लिए, अगला पैसेज भी हमारा है यहां पे अनुच्छेद 2 का, कि कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है, तो इस पैसेज का हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमको दिया गया है 66, धन्यवाद का अर्थ है कि हम हैं उच्च, उदास, दुखी, कृतज्ञ। धन्यवाद का अर्थ है कि हम हैं खाली स्थान, उच्च, उदास, दुखी, कृतज्ञ, तो विकल्प क्वेश्चन में आपको दिया गया है यहां पे कृतज्ञ, क्या है कृतज्ञ। महान सद्गुण क्या है अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है 67, कह रहा है महान सद्गुण क्या है, तो महान सद्गुण मतलब क्वेश्चन नंबर 67 की बात है, तो यहां पे है कृतज्ञता प्रदर्शन महान सद्गुण है। पैसेज के अनुसार अपने या अपनी खाली स्थान में कोई कृतज्ञ हो सकता है सद्गुणों, कर्तव्यों, विचारों और आमदनी, मतलब हमारे में या अपनों में कोई कृतज्ञ हो सकता है तो विचारों से कृतज्ञ हो सकता है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, सहायक शब्द है खाली स्थान, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जी विशेषण, जैसे हम कहते हैं ना सहायक सामग्री लाओ, सामग्री ऑलरेडी है और सहायक जुड़ गया तो विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। एक और क्वेश्चन जो कि मुझे अटपटा लगा 70 नंबर का, सद्गुण का अर्थ है सद्गुण गुण, ऑलरेडी गुण एक आपकी क्वालिटी की बता रहा है, क्वालिटी कैसी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है ना, तो क्वालिटी की बात यहाँ पे सद्गुण दुर्गुण ये तो समझ में आता है, तो सद्गुण का अर्थ गुण से क्वालिटी से है, सद्गुण अच्छा गुण ना, अच्छा गुण, सद्गुण का मतलब क्या है अच्छा गुण, लेकिन है क्या वो, किससे अर्थ उसका निकल के आएगा, गुण ही उसका मतलब है, इसलिए विकल्प नंबर ए ही हमारा राइट यहाँ पे होगा दोस्तों। विकल्प नंबर कौन राइट हो जाएगा, ए राइट होगा 70 का। आगे चलिए और पैसेज नंबर 3 देखेंगे, विनम्रता एक महान सद्गुण ना, सॉरी ये तो हो गया आपका, हमने पैसेज नंबर 3 बता दिया क्या आपको, नहीं, कृतज्ञता हो गया, जी कृतज्ञता हो गया यहाँ पे। अब हमारा अगला है 71, उसी से मिलता है कि विनम्रता एक महान सद्गुण है, तो आइए विनम्रता एक महान है क्या है, सद्गुण का मतलब अभी ऊपर ही बात हुई है गुण से है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर 71 का जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा।
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, विनम्रता का अभिप्राय है, विनम्रता का अभिप्राय क्या है, विनम्रता का मतलब क्या है, विनम्रता का क्या कह सकते हैं, अर्थ क्या है, तो कह सकते हैं सविनय, बिल्कुल विनम्र, सविनय निवेदन है कि प्रार्थी की तबीयत खराब है ना, ऐसा करते हैं ना, मतलब विनम्र होके, वही बात यहाँ पे है। आगे आइए, विनम्र व्यक्ति खाली स्थान से सीखता है, विनम्र व्यक्ति खाली स्थान दूसरों के अनुभव से सीखता है। घमंडी किसका पर्यायवाची है, घमंडी पर्यायवाची बोला है, घमंडी के जैसा और कौन अर्थ देगा ये बोल रहा है, तो अक्खड़ है, नहीं कहते हैं बिल्कुल अक्खड़ है, अपने मत में रहता है, किसी की नहीं सुनता है, घमंडी है ना। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका आ गया, जिद्दी का विलोम, विलोम पूछा है, विलोम, विलोम का मतलब उल्टा होता है, जिद्दी है, मानने वाला नहीं है, मतलब मानने वाला है, सहमत है इस बात से, समझ पा रहे हैं आप। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम अब चौथा पैसेज जो है उसका 76वां क्वेश्चन देखेंगे, और ये अच्छा है, सबसे आसान इसमें यही है, सुंदर लाल बहुगुड़ा एक महान थे जी पर्यावरणवादी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर है 77, उनका गांव खाली स्थान घिरा हुआ है, उनका गांव हरे भरे वनों से, पैसेज में दिया हुआ है। आगे चलिए, वनों की कटाई का परिणाम स्वरूप आने वाली खाली स्थान यहाँ पे दिया हुआ है, 78 क्वेश्चन की बात कर रहा है, विनाशकारी बाढ़ ना, परिणाम स्वरूप विनाशकारी बाढ़ आने लगी। ओके चलिए आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे है 79 नंबर की बात है, सुंदर लाल बहुगुड़ा संज्ञा, भाई ये एक जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक नहीं, किसी जाति को थोड़े नहीं सुंदर लाल बहुगुड़ा दिखाते हैं, सुंदर लाल बहुगुड़ा एक व्यक्ति है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे 80 है, मूल्यवान खाली स्थान का पर्यायवाची है, मूल्यवान खाली स्थान का पर्यायवाची है, मूल्यवान है, कहते हैं ना ये वस्तु बड़ी मूल्यवान है, इस वस्तु का कोई मूल्य नहीं है, अनमोल है जी, बिल्कुल विकल्प नंबर सी, एकदम लल्लन टॉप आंसर हो गया। आप हमें कमेंट करके बताइए कि हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन में से कितने सही हो रहे हैं, सारे क्वेश्चन हमने 80 के 80 अब बता दिए दोस्तों, और कमेंट करके हमें बताओ कि 80 में आपके टोटल कितने सही हो रहे हैं, बिल्कुल अथेंटिक और बिल्कुल राइट आंसर आपके हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी की भी क्वेश्चन को लेकर के नहीं होना चाहिए आपको। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और इस उम्मीद से कि अगली क्लास में हम बात करेंगे कि कट ऑफ किया जानी चाहिए, इस बार कितना आप नंबर पा जाएंगे कि आपका इस बार नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा, तो पहले आप लोग अपने नंबरों को कमेंट करके हमें बताइए, फिर मैं बहुत जल्दी कट ऑफ लेकर के आता हूं, वो भी राइट, जैसा कि पिछले साल भी देखे होंगे जो कट ऑफ मैंने बताया था वही हुआ था, उसके पहले भी मैंने जो बताया था वही हुआ था, ढेर सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, नहीं ये नहीं वो नहीं, लेकिन जो मैं बताया उसी नंबर पर सिलेक्शन हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।